be up in a sec. तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है टॉम से, जो कि किसी को बड़ी बेरहमी से मार रहा था और उसके कपड़े और फेस पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसने काफ़ी बेरहमी से किसी को मारा होगा। अब फिर अगले सीन में टॉम ऑफिस के लिए निकलता है और अपनी वाइफ लिली और अपनी बेटी केटी को बाय बोलकर जाता है। टॉम की फैमिली काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्वीट फैमिली थी और ऑफिस में टॉम का एक दोस्त था जिसका नाम डैन था, जो कि अपने काम पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता था और अजीब तरीके की हरकतें करता था। लंच टाइम में डैन टॉम को अपने घर इनवाइट करता है ताकि वो अपने हाई स्कूल टाइम की तरह हॉरर मूवीज़ देखकर एंजॉय कर पाए, पर टॉम आज रात के लिए आना नहीं चाहता था। वो डैन को मना कर देता है और डैन इस बात पर नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को टॉम केटी को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला देता है और फिर वो अपने रूम में जाता है और लिली के साथ में वो अब इंटीमेट होता है। लेकिन टॉम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी टेंशन में है और उससे अंदर ही अंदर कुछ बातें परेशान कर रही थी। अगली सुबह टॉम उठकर अपनी वाइफ लिली की तरफ अजीब तरीके से देख रहा था और फिर वो अपनी वाइफ के पास ही सो जाता है। फिर हमें एक लेबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर किसी लड़की को एक आदमी बड़ी बेरहमी से काट रहा था। वो लड़की वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है और हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही सीन फिर से टॉम के ऑफिस की तरफ आ जाता है। डैन टॉम को लंच के लिए पूछता है, पर टॉम डैन के साथ लंच के लिए नहीं जाना चाहता था। डैन भी अब दुखी रहने लगा था क्योंकि टॉम धीरे धीरे उससे दूर जा रहा था। फिर डैन अपने टॉम के साथ में बिताए हाई स्कूल टाइम को याद करता है। हाई स्कूल टाइम में टॉम और डैन बहुत अच्छे दोस्त थे और रात को डैन अपने और टॉम के वीडियोज देख रहा था जब वो टीनेजर थे। अगले दिन फिर डैन ऑफिस में नोटिस करता है कि टॉम ऑफिस नहीं आया है और डैन टॉम के घर पर कॉल लगाता है। लिली डैन को कहती है कि टॉम को दूसरी जॉब मिल गई है और वे लोग ये शहर छोड़कर दूसरी जगह पर मूव इन करने जा रहे हैं। लिली को भी ये बात अजीब लगी थी कि टॉम ने डैन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। फिर रात के समय डैन टॉम के घर पर आकर उसके घर के बाहर बैठ जाता है और तभी टॉम डैन के पास आता है। डैन को ये काफ़ी बुरा लगता है कि टॉम ने उसे कुछ भी नहीं बताया है और वो दोनों बचपन से दोस्त थे, पर टॉम ने उसके नए जॉब और शहर को छोड़कर जाने वाली बात नहीं बताई थी। लेकिन टॉम डैन से ठीक तरीके से बात नहीं करता है और अगले दिन बात करने का भूलकर वो उसे अपने घर भेज देता है। पर अगले दिन भी ऑफिस में टॉम डैन से बात करना तो दूर उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है। लंच के समय में भी डॉन टॉम से पूछता है कि उसने उसे कुछ भी क्यों नहीं बताया है और टॉम कहता है कि मैं बताना चाहता था पर मुझे ये पता नहीं था कि तुम किस तरह रिएक्ट करते हैं और इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बताया है। अब अगले दिन फिर से डैन टॉम को अपने घर पर इनवाइट करता है मूवी देखने के लिए, लेकिन इस बार टॉम डैन को मना नहीं कर पाता है। और रात को टॉम और डैन कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस देख रहे थे जहां पर एक आदमी एक लड़के के पेट को काटकर उसके कटे हुए हिस्से में अपने हाथ डाल रहा था। डैन फिर टॉम को पूछता है कि वो इस वीडियो के बारे में क्या सोचता है और टॉम उस वीडियो को देखकर हैरान हो गया था। वो बिल्कुल असली जैसा वीडियो लग रहा था और टॉम डैन से पूछता है कि उसे ये वीडियो कहाँ से मिली है। डैन कहता है कि उसे ये वीडियो ऑनलाइन मिली है। अब टॉम अपने घर पर जाना चाहता था, पर डैन टॉम को रोककर कहता है कि उनको इस वीडियो के बारे में कुछ बातें करना चाहिए, पर टॉम उस वीडियो फुटेज को देखकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि वो वहाँ से चला गया था। अब रात को टॉम सोते समय भी इन्हीं वीडियोस के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर एक आदमी एक लड़की के मुंह पर टेप लगाता है, फिर वो उस लड़की के ब्रेस्ट को काट देता है और तब वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन टॉम को ये सब सोचकर खुशी महसूस हो रही थी। अब अगले दिन लंच पर टॉम डैन से पूछता है कि उसके पास और कितनी सीडीज हैं जो कि उन्होंने कल रात को देखी थी। डैन कहता है कि उसके पास में बस एक ही सीडी थी। फिर टॉम उस सीडी को डिस्ट्रॉय करने को कहता है क्योंकि वो किसी क्राइम की रियल फुटेज लग रही थी। अब रात को टॉम अपनी बेटी केटी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था, पर केटी के पेट को देखकर टॉम को उसी वीडियो के मर्डर की याद आ रही थी और उसके बाद रात को टॉम और लिली इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ डैन वे डिस्टर्बिंग वीडियोज देख रहा था और वो अब उन वीडियो का एडिक्टेड हो गया था, मतलब कि अब उसे उन वीडियोस की लत लग गई थी। अब अगले दिन डैन ऑफिस में लेट आता है और लंच टाइम में टॉम डैन से पूछता है कि वो लेट क्यों हुआ, इस पर डैन बताता है कि उसके पास उन वीडियो की नई टेप का पार्सल आया है तो वो उसे देखने में लेट हो गया था। टॉम डैन से नाराज होता है कि उसने फिर से उन वीडियोज को ऑर्डर किया था और डैन बताता है कि उसने ये टॉम के मना करने से पहले ही ऑर्डर कर दिए थे और डैन ये भी कहता है कि वो इन वीडियोस को डिस्ट्रॉय कर देगा, पर उससे पहले उन्हें एक बार इन वीडियोस को देखकर ये जानना होगा कि इन वीडियोस में क्या है।
और इस बातों को टॉम मना नहीं करता है और रात को वो डैन के घर पर आकर उन वीडियोस को देखने लगता है और ऐसा भी लगता है कि टॉम भी अब उन वीडियोस का एडिक्टेड हो गया था। अगले सुबह टॉम देखता है कि उसकी वाइफ के पेट को काटा गया है और वो भी अब मर चुकी है, लेकिन ये बस टॉम का एक भयानक सपना था। और उसके बाद में टॉम और उसकी फैमिली पार्क में जाते हैं, लेकिन टॉम अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय नहीं कर पाता है और वो बस एक जगह बैठकर उन वीडियोस के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। लिली टॉम के पास में आकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है और टॉम लिली को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब रात को टॉम को नींद नहीं आती है और वो खुद को रोक नहीं पाता तो डॉन के पास से लाई हुई उन वीडियोस को देखने लगता है। वो लिली उसके पास में आना चाहती थी, लेकिन टॉम उसे सोने के लिए फिर से भेज देता है। अब इधर डैन रेस्टोरेंट की एक वेटरेस सैली से बहुत दिनों से बातें कर रहा था और आज डैन सैली को अपने घर पर बुला लेता है और अब यहाँ पर सैली और डैन एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन टॉम लंच के टाइम पर डैन को वो सीडी वापस कर देता है और उन सारी वीडियोस की सीडीज को जल्दी से डिस्ट्रॉय करने को कह देता है और वो नई सीडी ऑर्डर करने के लिए उसे मना भी करता है। लेकिन डॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर रात को लिली टॉम से डैन के बारे में पूछती है और ये भी कहती है कि वो डैन को कभी डिनर पर लेकर आए, लेकिन टॉम इस बात का जवाब नहीं देता है, जैसे कि वो नहीं चाहता था कि डैन उसके घर पर आए। इधर दूसरी तरफ डैन सैली को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है और सैली डैन के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद में वो बाथरूम में जाती है। अब अगले दिन ऑफिस में डैन नहीं आया था तो टॉम लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट पर जाता है और वहाँ पर वो नोटिस करता है कि सैली भी आज काम पर नहीं आई थी और सैली की जगह कोई और लड़की आई हुई थी। फिर हमें डैन दिखाया जाता है जो कि घर में ड्रिंक कर रहा था और वो एक के बाद एक सीडीज ऑर्डर कर उन्हें देख रहा था, पर अब उसे भी लग रहा था कि वो उन सीडीज का एडिक्टेड हो गया है और इसीलिए वो उन सीडीज को तोड़ तोड़ कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। फिर डैन उसी रेस्टोरेंट में जाता है, उसे रेस्टोरेंट की नई वेट्रेस ईव में सैली नजर आती है और पर जल्दी ही डैन वापस से होश में आ गया था। अब अगले दिन भी टॉम नोटिस करता है कि डैन ऑफिस नहीं आया था, लेकिन लंच टाइम में डैन टॉम को उसी रेस्टोरेंट पर मिल जाता है। टॉम डैन से पूछता है कि उसे क्या हुआ है और वो दो दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आया है। डैन कहता है कि जो कोई भी उसे वीडियोस भेजता है उस आदमी ने सैली को भी मार दिया है और टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो डैन टॉम को अपना घर ले जाकर वही सीडी दिखाता है जहाँ पर उस वीडियो में वो आदमी ने सैली को बांधकर उसके पेट को काटकर उसके अंदर अपना हाथ डाल रहा था। सैली बहुत बुरी तरह मारी जाती है और डैन कहता है कि उसने ये वाली सीडी ऑर्डर नहीं की थी और यह सीडी किसी ने उसके घर के लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। वो कोई भी आदमी था उसे सब पता था कि डैन किससे मिलता है और कहां पर जाता है और वो कहां पर रहता है। टॉम फिर फौरन अपने घर के लिए निकल जाता है और डैन को पुलिस को कॉल करने को कहता है। घर जाकर टॉम अपने फैमिली को सेफ देखकर चैन की सांसें लेता है। अगले दिन टॉम डैन के घर पर जाता है और डैन कहता है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि पुलिस ये सोचेगी कि वो ही इन लोगों को मार रहे हैं, जिस पर टॉम कहता है कि जब तुमने सैली को नहीं मारा है तो तुम डर क्यों रहे हो और हमारे पास तो वीडियो भी है जिसमें सैली मारी जा रही थी और उनके पास में बाकी मर्डर के फुटेजेस भी है जिसे देखने के बाद में पुलिस उन किलर को पकड़ लेगी। लेकिन डैन ने सारी सीडी पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसे सुनने के बाद में टॉम डैन पर गुस्सा होता है कि पुलिस को दिखाए बिना उसने उन सीडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और जवाब में डैन बस इतना कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और इसीलिए उसने उन सीडीज को डिस्ट्रॉय किया था। और वैसे भी पुलिस उसी पर शक करती क्योंकि सैली को आखिरी बार जिंदा उसी ने उसके घर पर देखा था। टॉम ये भी कहता है कि वो उस वेबसाइट की कंप्लेंट कर सकते हैं जहाँ पर उसे वो सीडी मिली थी और उन वेबसाइट वालों को पता होगा कि वो सीडी कौन बेच रहा है, जिसके जवाब में डैन ये कहता है कि ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है, उसे बस किसी ने कमेंट में उन वीडियोस का लिंक मिला था और उसने कमेंट में ही अपना घर का एड्रेस डाल दिया था और सारी सीडियाँ उसके घर पर डिलीवर हो गई थी। ये सुनने के बाद में टॉम डैन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अब उनकी और उसकी फैमिली की लाइफ खतरे में थी। डैन कहता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ झूठ हो और इन टेप्स के वीडियोस बिल्कुल नकली हो। टॉम ये भी कहता है कि सैली मर चुकी है और ये वीडियोस झूठी कैसे हो सकती है क्योंकि ये सभी मर्डर्स असली है। और टॉम डैन के साथ में अपनी दोस्ती खत्म करके वहाँ से चला जाता है। टॉम अब बहुत परेशान रहने लगा था और उसे हर समय ये टेंशन लगी रहती थी कि उसकी फैमिली को कोई खतरा ना हो और उसकी वाइफ लिली भी उसके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब अगले दिन डैन फिर से ऑफिस नहीं आता है और टॉम जब घर पर था तो डैन कॉल करता है।
टॉम कॉल उठा पाता उससे पहले ही लिली दूसरी लाइन पर कॉल उठा लेती है और रात को टॉम लिली से डैन से बात करने के लिए मना करता है। वो ये भी कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाएंगे, लेकिन इस बात से लिली और टॉम के बीच में झगड़ा हो जाता है क्योंकि टॉम लिली को कुछ भी नहीं बता रहा था। टॉम फिर लिली से उस पर गुस्सा करने के लिए माफी भी मांगता है। अब अगले दिन डैन ऑफिस तो नहीं आता है, पर वो टॉम को ऑफिस कॉल करता है और टॉम डैन से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन डैन टॉम से माफी मांगता है और वो उसे एक बार बात करने के लिए कहता है। अब डैन टॉम को अपने घर पर बुला रहा था ताकि वे दोनों टाइम स्पेंड कर पाए और उनकी दोस्ती न टूटे, लेकिन टॉम ऐसा करने से मना कर देता है और फोन काट देता है। फिर अगले दिन टॉम अपनी नई जॉब के लिए दूसरे शहर निकल जाता है ताकि वो मूव इन करने के लिए सब कुछ ठीक कर पाए। और टॉम के जाने के बाद में लिली डैन को रात के डिनर के लिए इन्वाइट करती है और रात को टॉम से फ़ोन पर बात करते समय लिली उसे बता देती है कि उसने डैन को खाने के लिए बुलाया है, जिसे सुनने के बाद में टॉम लिली से बहुत नाराज होता है कि उसके घर पर न होने के समय उसने क्यों बिना पूछे डैन को डिनर पर इन्वाइट किया है। लेकिन लिली टॉम को अच्छे से समझाती है तो टॉम मान जाता है और कुछ समय के बाद में डैन वाइन लेकर डिनर के लिए टॉम के घर पर आ गया था। सीन कट होता है और अगली सुबह एक भयानक सपने के साथ में टॉम की नींद खुल जाती है। टॉम फौरन ही अपने शहर आने के लिए निकल जाता है और जब टॉम घर पर आकर देखता है तो उसकी वाइफ और बेटी घर पर नहीं थी। उसे बस एक सीडी पड़ी हुई मिलती है और टॉम उस सीडी को प्ले करता है। उस सीडी में लिली और केटी को बेरहमी से काटकर मारा जा रहा था और ये देखकर टॉम बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो बहुत रोता है, जिसके बाद में वो गुस्से में डैन के घर पर जाकर उसे बहुत मारता है और डैन पूरा खून में लथपथ हो गया था। और ये वही मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन था जहाँ पर डैन के मुंह और नाक पर हाथ रखकर टॉम डैन के सांसें रोककर उसे मार डालता है। अब ऐसा लग रहा था कि डैन ने ही उसकी वाइफ और बेटे को मारा होगा, क्योंकि आखिरी बार डैन ही टॉम के घर पर आया था और टॉम वापस अपने घर पर आ जाता है। मूवी में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि उन लोगों को मारने वाला असली किलर कौन है और वो सीडीज कौन बना रहा है और वो कौन बेचता है, या फिर ये भी हो सकता है कि डैन खुद ही उन वीडियोस को बनाता है लोगों को मार मार के और वो कुछ ऐसी स्टोरी बनाता है जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे उन सीडीज को भेज रहा है। और शायद ये भी हो सकता है कि डैन अपनी अकेली लाइफ से परेशान हो गया हो और इसीलिए उसने सारी किलिंग की हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।